गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे। यहाँ देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ और मैं नीचे झाड़ू अपनी लगाने के बाद मैं छत पर गई थी झाड़ू लगाने के लिए। क्या है ना कि हम लोग छत पर बैठते हैं, वहाँ पर सुबह बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो फिर वहाँ झाड़ू झाड़ू लगा के साफ़ कर लो तो फिर अच्छा लगता है वहाँ बैठने में। पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो अच्छा लगता है वहाँ पर, और इसीलिए मैं सबसे मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगा रही थी वहाँ। और ये पेड़ों के पास पत्तियाँ ये झड़ जाती हैं तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है ना, तो पत्तियों के तो वही मैं डेली मैं सुबह छत पर झाड़ू लगाती हूँ, फिर वहाँ बैठ कर योगा करती हूँ। तो पेड़ पौधों के पास बैठना मुझे अच्छा भी बहुत लगता है, इसलिए मैंने अपने गमलों में मीठा नीम, सदाबहार कई सारे पौधे लगा रखे हैं, तो मुझे छत पे अच्छा लगता है सुबह सुबह जाने में। अभी देखिए सुबह का टाइम है तो काफ़ी उजाला नहीं हुआ है, कुछ कुछ अंधेरा था और कुछ उजाला दिखाई दे रहा था, ठीक तरह से उजाला नहीं हुआ था। तब तक पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी, फिर उसके बाद फिर मैं बैठ के योगा करती हूँ वहाँ पर। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं वहाँ पर, वो भी सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं बैठ के छत पर। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह बैठना, रात भर की जो गर्मी होती है अंदर घर में रहने में, और फिर वो सुबह छत पर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी झाड़ू लग गई थी, फिर मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, जब से मुझे कोरोना हुआ है तब से मैं अनुलोम विलोम डेली करती हूँ, और ये मेरे शोल्डर में दर्द होता है इसलिए मैं ये एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। इससे काफ़ी आराम मिलता है, हाथों को घुमा के एक्सरसाइज करने में बहुत आराम मिलता है मुझको। फिर मैं योगा कर लेती हूँ तो इससे भी थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मैं ये तुलसी की पत्तियाँ तोड़ रही हूँ, और फिर मैंने यहाँ अश्वगंधा मैंने पौधा लगा रखा है, जो इस तुलसी अश्वगंधा और गिलोय का काढ़ा पीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। यह देखिए मैं काढ़ा बना रही हूँ, ये मैंने पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं, और एक तरफ मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। तो मेरा बेटा उठ के सुबह मैंगो शेक ही पीता है, तो मैं दोनों लोग को उन लोग को दे देती हूँ, और फिर मैं तो नहा के ही पीती हूँ। अभी मैं कपड़े धुल रही हूँ, कपड़े धुल गए मेरे, और साफ़ सफाई होने के बाद फिर मैं नहा लेती हूँ, और नहाने के बाद फिर मैंने काढ़ा दिया था हस्बैंड को, बेटे को, और मैंने खुद भी पिया था। बेटे की मेरी पढ़ाई चल रही थी, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो वो पढ़ रहा था बैठ के, उसकी 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास। और फिर मेरी रात में जो खिचड़ी बनाई हुई थी वो थोड़ी सी रखी हुई थी, तो वही मैंने फिर प्याज डाल के और उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और चाय देखिए मैंने चाय बना ली थी मॉर्निंग में, तो वो रखी हुई, तो अगर उसको ठंडी काफ़ी हो जाती है तो उसको प्याज और जीरे से आप फ्राई कर लो तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और फिर हम लोगों ने वही खा ली थी उसको चाय के साथ में। तो फ्रेंड्स देखिए लंच मेरा तैयार हो गया है, दाल चावल है। बेटा मेरा बोल रहा था कि आज मम्मी दाल चावल बनाना, तो इसलिए आज हम लोग लंच में दाल चावल ही बनाए हैं। तो देखिए यार दोनों लोग को मैंने दे दी है थाली और ये लोग खा रहे हैं, अब मैं भी खाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए चाय मेरी बन गई है, और ये मेरे बेटे का दूध है जो मैंने बॉर्नविटा डाल के बनाया है, तो मैं उसको बॉर्नविटा डाल के दूध देती हूँ। अभी वो सो रहा है तो उठेगा, तो पहले मैं उसको दूध दूंगी, और मैं और मेरे हस्बैंड चाय पिएंगे। मेरे हस्बैंड मलाई डाल के चाय पीते हैं तो वो खाली चाय नहीं पीते। और फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।